अरेस्ट की है, जिसकी डिटेल में हमारे डीसीपी साहब हैं राजेश देओ, ये क्राइम ब्रांच से हैं, ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसके बारे में अभी जो मीडिया को है वो ब्रीफ करेंगे। दोस्तों अभी आपको हम लोगों ने दो वीडियो शेयर किया है, ये दो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो थे। जो 13 दिसंबर को पहला वीडियो जो है वो जामिया का है, और दूसरा वीडियो जो है 16 जनवरी का है, वो अलीगढ़ का है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका आइडेंटिफिकेशन सरजील इमाम का हुआ था, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया था हम लोगों ने 25 तारीख को। जैसे ही ये दूसरा वीडियो आया, हम लोगों ने ये एफआईआर दर्ज किया 25 तारीख को अंडर सेक्शन 124A, 153A, 505 IPC, एफआईआर नंबर 22/20 PS क्राइम ब्रांच। और मुकदमा दर्ज करने के बाद इमीडिएटली इसमें जो कंटेंट्स थे उससे इसमें कॉजिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स स्टेट, और इसके इंग्रेडिएंट आ रहे थे, सेडिशियस था इन नेचर। हमने एक टीम डिस्पैच किया बिहार, क्योंकि इसको लास्ट बिहार में देखा गया था, 25 तारीख को इसको बिहार में देखा गया था, फुलवारी शरीफ के एरिया में, वहां कोई रैली हो रही थी। हमारी टीम 25 को ही पटना गई, पटना पुलिस से 26 को पहुंच गई, 26 से पटना पुलिस और बिहार पुलिस लगातार हमें कोऑपरेट कर रही थी, बिहार पुलिस के कोऑपरेशन से लगातार हम रेड्स कर रहे थे। 25, 26, 27 तारीख को लास्ट कल रात में हम लोगों ने रेड किया, तो इसका ब्रदर मुजम्मिल हम लोगों को मिला, वहां से कुछ और वाइटल इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे कि हम लोगों ने आज लगभग 2 बजे सरजील इमाम को उसके गांव काको, जिला जहानाबाद, मलिक टोला, वहां से डिटेन किया, और फॉर्मली फिर हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। फिलहाल इसको हम लोग वहां कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करके इसकी ट्रांजिट डिमांड ले रहे हैं, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते से दिल्ली लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहां ज्यूरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट को पेश करके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें मोटा मोटी अभी हमारी टीम जो है एक बार पेश कर देगी, और जब डिटेल्स होगा जो आपके साथ शेयर कर लेंगे। नहीं, सरेंडर पुलिस के पास कोई सरेंडर नहीं होता, सरेंडर अगर कोर्ट में सरेंडर कर जाते तो सरेंडर वाली बात कोई होती, एक्यूज कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात कोई नहीं है, सरेंडर कोर्ट के सामने होता है, पुलिस के सामने तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। हर एक्यूज जो हमारे पास आए और वो बोले हम सरेंडर कर गए, सरेंडर नहीं, सरेंडर होता तो कोर्ट में सरेंडर करता। कितनी एफआईआर दर्ज है इसके खिलाफ? फिलहाल एक एफआईआर जो हमारे पास दर्ज है, जिसमें कि 124A, 153A और सेक्शन 505 IPC है, उसमें इसका ही रोल है, क्योंकि इसकी ही वीडियो है। लेकिन आपको बता दें कि जो तीन मुकदमा और इन्वेस्टिगेट हो रहा है राइट्स का, जो SIT क्राइम ब्रांच कर रही है, देखिए जो सेक्शंस लगे हैं उन सेक्शंस में अगर कोई आदमी ऐसी भड़काऊ भाषण देता है जिससे कि आप रायट कॉज करते हैं या गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के खिलाफ आप भड़काते हैं लोगों को, तो वो सेक्शन अट्रैक्ट होता है। तो फर्दर एक बार हमें मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि इसके स्पीच का क्या रोल 13 तारीख और 15 तारीख के जामिया NFC के राइट्स में है। सर, जो वीडियोज मिले इसको आपने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है? सब्सिक्वेंट मैटर है वो। आसाम में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुई है? मुकदमा और कहीं जगह दर्ज हुआ है, वहां से अफसर आए हैं। सर, जब यहाँ पर इसके खिलाफ एफआईआर होगी तो क्या ये बिहार में अपना गेटअप चेंज करके रह रहा था? चुप चुप नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने एक प्रिलिमिनरी फोटोग्राफ आप लोगों के साथ शेयर किया, हमें नहीं लगता कोई गेटअप चेंज किया। इट इज टू प्रीमेच्योर टू स्टेट एनीथिंग ऑन दैट। आई हैव नॉट टॉक्ड टू हिम पर्सनली, एज यू नो इज इन जहानाबाद, द फोन सिग्नल्स आर वेरी वीक देयर, so somehow able to manage to talk to my officers, one he is produced before us, then we'll come back to you. background ये computer science में इसने IIT बॉम्बे से कोई वो किया है, CS कर रखा है, और फिलहाल JNU में कोई PhD कर रहे हैं। सर, इट्स वेरी गुड वर्क, गुड अचीवमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस का आपने अरेस्ट किया। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पीचेज अभी आ रहे हैं जो काफी भड़काऊ टाइप के लग रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर। दैट इज बियॉन्ड माई ज्यूरिसडिक्शन राइट नाउ, आई एम फोकसिंग ऑन दिस केस। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस जो कि इस वक्त चल रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने यह साफ किया कि दरअसल दो वीडियोस हमारे सामने आए थे, जिसके आधार पर हमने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। एक वीडियो का जिक्र जिसका ताल्लुक जामिया से है, जामिया में कुछ इस किस्म का बयान दिया था। दूसरा वीडियो जिसके बाद में काफी हंगामा मचा था, वो दूसरा वीडियो अलीगढ़ का था। दिल्ली पुलिस के जरिए ये दोनों चीजें सामने आई हैं,
और पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया है। दरअसल शर्जील इमाम की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस अभी और भी इसके खिलाफ में 3 केसेस में इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से दंगा भड़काने वाले बयान को लेकर के दिल्ली पुलिस ने या फिर चारों राज्यों की पुलिस ने FIR दर्ज किया था, उसी के नजरिए से पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, उन वीडियो को सही पाया गया, उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। मगर अब आपको वो वीडियो सुनवा देते हैं जिसमें शर्जील इमाम ने देश को तोड़ने वाला बयान दिया था।